अ वेरी वार्म गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। आशा करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और अच्छे से अपनी स्टडीज पे कंसंट्रेट कर रहे होंगे और आप सभी सेफ भी होंगे। सो दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट वीडियो लेक्चर टू द क्लास 12 स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का थर्ड चैप्टर स्टार्ट किया था, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, आज हम डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स की जर्नल कैरेक्टरिस्टिक्स करेंगे और उनमें सब में पहली जर्नल कैरेक्टरिस्टिक है एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। सबसे पहले एटॉमिक रेडियस होता क्या है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। मतलब अगर हम कोई भी एटम लेते हैं तो उस एटम के न्यूक्लियस के सेंटर से लेके उस एटम के आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में जितना डिस्टेंस होगा वो उस एटम का होगा एटॉमिक रेडियस। लेट्स नाउ डिस्कस द वेरिएशन ऑफ एटॉमिक रेडियस इन डी ब्लॉक एलिमेंट्स। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में कैसे एटॉमिक रेडियस वेरी करता है अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। फर्स्ट वी डिस्कस अलोंग द पीरियड। द एटॉमिक रेडियस जो होता है ट्रांजिशन मेटल्स का वो बीच में होता है, दैट इज लाइज इन बिटवीन दोज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। जैसे कि हमको पता है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कहाँ होते हैं, ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स आर ऑन द राइट साइड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। इसका मतलब जो एस और पी है जो दोनों के बीच में होते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स, और इसी की वजह से जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं उनका जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इन दोनों के बीच में लाइक करता है। अगर हम अलोंग द सीरीज मतलब अलोंग द पीरियड देखें जो एटॉमिक रेडियस होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स का वो डिक्रीज करता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। जैसे कि हमको पता है जैसे ही हम अलोंग द पीरियड जाते हैं द इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो सेम ऑर्बिटल मतलब सेम सब शेल्स में ऐड होते जाते हैं। मतलब अगर 3D सीरीज की बात करें तो जो न्यू इलेक्ट्रॉन ऐड होगा वो 3D शेल में ही ऐड होगा, और विद ईच इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर हर एक एटॉमिक नंबर के इंक्रीज होने पे न्यूक्लियस का प्रोटॉन नंबर ज़्यादा होता है, मतलब न्यूक्लियस का न्यूक्लियस चार्ज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द न्यूक्लियर चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज ऑफ द न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के बीच में ज़्यादा होती है, और जिसकी बीच में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो कंट्रैक्ट करता है मतलब कम होता जाता है। इसीलिए जब हम एटॉमिक रेडियस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट्स देखते हैं तो वो अलोंग द पीरियड इन एनी सीरीज वो क्या करता है कम होता है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। लेकिन जो ये डिक्रीज है ना वो सिर्फ हाफ वे तक ही अच्छी तरह से डिक्रीज होता है, उसके आगे क्या होता है डिक्रीज तो होता है एटॉमिक रेडियस लेकिन वो इतना स्मॉल होता है कि बहुत स्मॉल तरीके से डिक्रीज होगा विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर। ऐसा क्यों होता है? जैसे कि मैंने एक टेबल शो किया है, इस टेबल में देखिए दिस इज शोन हमने कुछ ट्रांजिशन सीरीज है 3D सीरीज 4D सीरीज एंड 5D सीरीज। अगर हम 3D सीरीज की ही बात करें फ्रॉम स्कैनेडियम टू अगर हम स्कैनेडियम से स्कैनेडियम टू क्रोमियम जाएं तो एटॉमिक रेडियस शार्पली डिक्रीज कर रहा है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल स्लोली स्लोली डिक्रीज कर रहा है ना के बराबर। जैसे स्कैनेडियम एटॉमिक रेडियस 162, टिटेनियम एटॉमिक रेडियस 147, वैनेडियम एटॉमिक रेडियस 134,
क्रोमियम एटॉमिक रेडियस 127, मैंगनीज एटॉमिक रेडियस 126, कोबाल्ट एटॉमिक रेडियस 125, निकल एटॉमिक रेडियस 124, कॉपर एटॉमिक रेडियस 124, जिंक एटॉमिक रेडियस 134। अगर हम क्रोमियम तक देखें तो एटॉमिक रेडियस जो है वो शार्पली डिक्रीज किया है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर अलॉन्ग द पीरियड, जो कि सही है, लेकिन उसके आगे बहुत कम डिक्रीज किया है। ऐसा क्यों? अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन दूँ, हाँ, अगर बिगनिंग में देखें जो एटॉमिक रेडियस था वो डिक्रीज कर रहा है विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, एज द न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इंक्रीज होगी, और जो इस वक्त का जो शील्डिंग इफेक्ट था डी इलेक्ट्रॉन्स का वो बहुत ही कम था। लेकिन मिड वे के बाद हर जो इलेक्ट्रॉन जो पेनल्टी में शेल जो डी में ऐड होता है वो शील्ड करता है आउटर मोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन्स को, और इसी की वजह से जो इंक्रीज होते हैं डी इलेक्ट्रॉन्स के साथ साथ, उसके साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होता है जो काउंटर बैलेंस करता है इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, और इसी की वजह से जो आफ्टर क्रोमियम है एटॉमिक रेडियस जो होता है वो प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल होता है। जैसे कि स्लाइड में देखा गया है एटॉमिक नंबर ऑफ क्रोमियम इज 127, फिर मैंगनीज का 126, आयरन का 126, वो एग्जैक्टली सेम ही है। अगर मैं डायग्रामेटिकली एक्सप्लेन करूँ तो मैं एक मिनट में आपको समझाता हूँ। ओके, आप वाइट बोर्ड में देखिए, अगर मैं कोई भी एलिमेंट ड्रा करूँ तो क्या होगा, जे न्यूक्लियस होगा, जे पहली ऑर्बिटल होगी, लेट इट बी एस ऑर्बिटल, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। ओके, जे दूसरी ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन्स, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, 2 ऑर्बिटल। जो तीसरी ऑर्बिटल है लेट इट बी, जो कौन सी है समझने के लिए, जो 3D ऑर्बिटल है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब तक डिक्रीज नहीं हो रहा है लेट इट बी, अभी इसके पास सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन्स है, ठीक है, इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं 4, और इसके आउटर मोस्ट ऑर्बिटल कौन सी आएगी, 4s ऑर्बिटल, जिसमें क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, जैसे ठीक है, जे एक इलेक्ट्रॉन, जे दूसरा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब भी क्या होगा, अभी तक जो इस न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन है इस आउटर मोस्ट 4s इलेक्ट्रॉन्स को वो अच्छे से हो रही है, वो अच्छे से उसे अपनी तरफ खींच रहा है, लेकिन जैसे जैसे इस डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग होती जाएगी तो एक इलेक्ट्रॉन इसके बीच में आएगा, इधर आएगा, ऐसे ऐसे इंक्रीज होते जाएंगे डी इलेक्ट्रॉन्स। देखिए डी इलेक्ट्रॉन्स तो इंक्रीज होते जाएंगे ना विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, अब कोई इलेक्ट्रॉन इन दोनों के बीच में आता है तो न्यूक्लियस चार्ज का इफेक्ट यहीं तक रहेगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव नेगेटिव होने के कारण क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपल्शन करेंगे, मतलब रिपेल करेंगे, जिसकी वजह से जिस अट्रैक्टिव फोर्स से इस न्यूक्लियस को इस इलेक्ट्रॉन को खींचना चाहिए था वो उतनी फोर्स से नहीं खींच पाता है, इसी वजह से क्रोमियम के बाद जो एटॉमिक रेडियस होता है वो बहुत ही कम होता है, जैसे कि शोन है क्रोमियम 126, आयरन 126 एंड सो एंड सो ऑन। लेकिन अगर हम जिंक की बात करते हैं तो एटॉमिक रेडियाई एकदम से शार्पली इंक्रीज किया, जस्ट देखिए निकल 124, कॉपर 124, लेकिन जो जिंक है उसमें जो एटॉमिक रेडियाई है वो क्या है, 138। पीछे से जो कम हो रहा था वो एकदम से शार्प इंक्रीज किया। ऐसा क्यों किया, देखो अब इतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हो चुके हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स इस इलेक्ट्रॉन को इस फोर्स को ओवरकम कर देगा, मतलब जो न्यूक्लियर फोर्स होगी वो कम हो जाएगी और जो रिपल्शन फोर्स होगी वो क्या होगी, वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, रिपल्शन फोर्स क्या होगी, बहुत ज़्यादा होगी,
और न्यूक्लियर फोर्स को ओवरकम करेगी, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, रिपल होंगे, एक्सपेंड करेंगे, और इसी की वजह से जो जिंक का एटॉमिक रेडियाई होता है वो एकदम से शार्पली इंक्रीज करता है। सो अब आपको आशा करता हूँ क्लियर होगा कि कैसे जिंक का एटॉमिक रेडियस शार्पली इंक्रीज करता है टूवर्ड्स द एंड, जैसे जहाँ पे लिखा है। लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड देर इज ए स्लाइट इंक्रीज इन द एटॉमिक रेडियस, जो जिंक के एटॉमिक रेडियस में स्लाइट इंक्रीज हुआ टू 138। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एंड ऑफ द सीरीज में जो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन है बिटवीन द एडेड इलेक्ट्रॉन्स इन द सेम ऑर्बिटल्स के बीच में वो बहुत ज़्यादा हो जाती है देन द अट्रैक्टिव फोर्सेज ड्यू टू द इंक्रीज न्यूक्लियर चार्ज, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सपेंड होता है और इसी की वजह से जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन्स हैं एलिमेंट्स हैं उनका एटॉमिक रेडियस शार्पली इंक्रीज करता है। लेट्स मूव ऑन टू द डाउन द ग्रुप। हमको पता है कि डाउन द ग्रुप जो होता है हर केस में जो एटॉमिक रेडियस होता है वो इंक्रीज करता है। ऐसा क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप हर एक एलिमेंट के साथ एक न्यू शेल ऐड होती है, जिसकी वजह से सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस का डिस्टेंस फ्रॉम द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन बहुत इंक्रीज होता है और डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता है। लेकिन 3D सीरीज से 4D सीरीज में आए तो हमें डाउन द ग्रुप एटॉमिक रेडियस इंक्रीज दिखेगा, लेकिन अगर हम 4D टू 5D सीरीज आए तो जो एटॉमिक रेडियस है वो ऑलमोस्ट सेम दिखते हैं, दैट इज एकदम बराबर दिखते हैं। ऐसा क्यों होता है? लेट मूव्स ऑन टू द स्लाइड। जैसे देखिए एटॉमिक रेडियस अगर मैं 4D सीरीज का देखूं, जिटरियम का 180 तो लैंथनम का 187, जिरकोनियम 160, हाइफेनियम 158, नियोबियम 146, थैलियम 146, मोलिब्डेनम 139, टंगस्टन 139, टेक्नीशियम 136, रिहेनियम 137, रुथेनियम 134, ऑस्मोनियम 135, रोडियम 134, इरिडियम 136, पैलेडियम 137, पैलेडियम 138, सिल्वर 144, गोल्ड 144, कैडियम 154 एंड मर्करी 157। अगर हम 3D सीरीज से कंपेयर करें तो एटॉमिक रेडियस डाउन द ग्रुप इंक्रीज हुआ है। जस्ट देखिए टाइटेनियम का क्या है 147, जिरकोनियम 160, बहुत इंक्रीज हुआ है। लेकिन जिरकोनियम के नीचे हैफेमियम, उसका एटॉमिक रेडियस कितना हो गया 158। कायदे से इसे इंक्रीज होना चाहिए था पर क्या हो गया, डिक्रीज। सो इन दोनों का एटॉमिक रेडियस जो था वो ऑलमोस्ट सेम था, तो उन्होंने कहा ऐसा क्यों, क्योंकि कायदे से क्या होना चाहिए था, इंक्रीज। तो उन्होंने कहा जो एटम्स होते हैं सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में, नो डाउट अगर जब थर्ड ट्रांजिशन में जाते हैं तो जो शेल है वो 5D है और फोर्थ में 4D है, तो ऐसा क्यों है कि एटॉमिक रेडियस सेम होता है, क्योंकि उसमें प्रेजेंट होती है 5D सीरीज में लैंथेनाइड के बाद लैंथेनाइड एलिमेंट्स, यानी कि 14 लैंथेनाइड एलिमेंट्स, दैट इज 4F एलिमेंट्स, और जे लैंथेनाइड एलिमेंट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर लैंथेनाइड कंट्रैक्शन, और इसी की वजह से जो एटॉमिक रेडियस होता है 5D सीरीज का वो एकदम सेम होता है कंपेयर टू विद रिस्पेक्ट टू 4D सीरीज। इसी लैंथेनाइड कंट्रैक्शन की वजह से जो 5D ऑर्बिटल्स एलिमेंट्स होते हैं उनका एटॉमिक रेडियस कम होता है। सो आशा करता हूँ कि एटॉमिक रेडियस पूरी तरह से क्लियर होगा। लेट मूव्स ऑन टू द आयनिक रेडियस। जो ट्रेंड एटॉमिक रेडियस फॉलो करते हैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, एकदम सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं आयनिक रेडियस। जो आयनिक रेडियस होता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स का वो बहुत स्मॉलर होता है, बहुत छोटा होता है देन दोज ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स, दैट इज एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स बिलोंगिंग टू द सेम पीरियड। अगर हम थर्ड शेल लेते हैं, यानी कि 3S, 3P और 3D सीरीज, तो 3S और 3P सीरीज के एलिमेंट्स जो आयंस होंगे उनका आयनिक रेडियस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू 3D एलिमेंट्स। सो
सेम ट्रेंड फॉलो करते हैं तो सेम वेरिएशन शो करेंगे। सो विद दिस आज का लेक्चर ख़त्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको मेरा पहला वीडियो लेक्चर पूरी तरह से क्लियर होगा। फिर भी अगर आप कुछ सजेशंस देना चाहते हैं तो आप मुझे मैसेज या कॉल कर सकते हैं। टिल देन थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ वेरी नाइस डे।